तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम ऑटोकैड और रेविट दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों को एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को ऑटोकैड और रेविट के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जानने के लिए हम इसे चार पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, डिजिटल ड्राइंग बोर्ड वर्सेस इन्फॉर्मेशन 3D डेटाबेस। तो बेसिकली ऑटोकैड एक पीस ऑफ पेपर है जिस पर आपके हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। रेविट में आप लगभग रियल बिल्डिंग का 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप पेपर की जगह पर कंप्यूटर में ऑटोकैड में 2D ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते हो। मतलब बेसिकली आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो। इसलिए हम ऑटोकैड को कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी CAD भी कहते हैं। रेविट में हम 3D मॉडल बनाते हैं और उसमें रियल लाइफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब बेसिकली हम रियल बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाते हैं। इसलिए हम इस सॉफ्टवेयर को बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं या BIM कहते हैं। सेकेंड, ड्राफ्टिंग वर्कफ्लो वर्सेस सिंगल यूनिफाइड 3D मॉडल। ऑटोकैड में हमें हर एक एलिमेंट सेपरेटली ड्रॉ करना पड़ता है। ऑटोकैड के डिज़ाइन के लिए आपको प्लान, फिर एलिवेशन, फिर सेक्शन एक एक करके बनाने पड़ते हैं और ये एक दूसरे से लिंक भी नहीं होते। और वही रेविट में सारे एलिवेशन एक दूसरे से लिंक होते हैं। मतलब आप जब भी प्लान बनाते हो तो ऑटोमेटिकली एलिवेशन, सेक्शन, 3D व्यू जनरेट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। थर्ड, मैनुअल ट्रैकिंग फॉर चेंजेस वर्सेस इंस्टेंटेनियस मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपको एंडिंग में उसमें कुछ चेंजेस करने। मतलब आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया है, उसमें आपको पर्टिकुलरली D1 डोर के डायमेंशन चेंज करने हैं, तो उसके लिए आपको हर एक D1 डोर के डायमेंशन चेंज करने होंगे। मतलब जितने भी प्लान में D1 डोर होंगे आपको मैनुअली हर एक डोर का डायमेंशन चेंज करना होगा। वही आपको एलिवेशन के हर एक डोर का डायमेंशन चेंज करना होगा। जो भी D1 डोर एलिवेशन में है उसके हर एक डोर का डायमेंशन चेंज करना होगा। सेक्शन में भी आपको हर D1 डोर का डायमेंशन चेंज करना होगा। पर रेविट में आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जस्ट आपको उस D1 डोर के प्रॉपर्टीज़ में जाना है, वहाँ डायमेंशन चेंज कर देने हैं प्रोजेक्ट में और पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी D1 डोर है सारे के डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। फोर्थ पॉइंट, लीनियर कोऑर्डिनेशन वर्सेस क्लैश डिटेक्शन। आपको प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होता है। मतलब आपको एक प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी इंजीनियर के साथ काम करना पड़ता है। ऑटोकैड में ये आपको सेपरेटली करना पड़ता है। वही रेविट में आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब आप आपके स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सारे मॉडल आप आपके मेन आर्किटेक्चर मॉडल के साथ लिंक कर सकते हो और आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हो। तो यही चार पॉइंट हम डिस्कस करने वाले थे। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो हम फटाफट करके सारे पॉइंट एक बार रिवाइज कर देते हैं। डिजिटल ड्राइंग बोर्ड वर्सेस 3D इन्फॉर्मेशन डेटाबेस। मतलब बेसिकली आप ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग कर सकते हो। रेविट में आप लगभग एक रियल 3D मॉडल बनाते हो जिसमें आप रियल लाइफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। सेकेंड पॉइंट, ड्राफ्टिंग वर्कफ्लो वर्सेस सिंगल यूनिफाइड 3D मॉडल। ऑटोकैड में हमें हर एक प्लान एलिवेशन सेपरेटली बनाना पड़ता है। रेविट में जैसे आप प्लान बनाते हो ऑटोमेटिकली एलिवेशन, 3D व्यू और सेक्शन जनरेट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, मैनुअल ट्रैकिंग फॉर चेंजेस वर्सेस इंस्टेंटेनियस मॉडिफिकेशन। ऑटोकैड में आपको करेक्शन के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो रेविट में आपको पर्टिकुलर उस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ में जाकर डायमेंशन चेंज कर देने हैं तो ऑटोमेटिकली उस टाइप के जो भी एलिमेंट आपके प्रोजेक्ट में होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। लीनियर कोऑर्डिनेशन वर्सेस क्लैश डिटेक्शन, ऑटोकैड में आपको हर एक प्रोजेक्ट सेपरेटली करना पड़ता है। वही रेविट में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग ये सारे मॉडल आप आपके मेन आर्किटेक्चर मॉडल के साथ लिंक कर सकते हो। तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं और जिस आर्टिकल को पढ़ के मैंने आपको ये बताया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। और अभी आप अगर आप जा ही रहे हो उस लिंक पे क्लिक करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। और अगर नहीं जा रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।